Is an app creative YouTube channel. Today I am going to show you how to create, how to adjust, how to manage file size in Photoshop CC 2019. So I just show you how to manage any file size in stars, like photos, any banner, any YouTube size. Which one you want file size, you just create there. So let's get to start. सो हम लोग के पास एक फाइल है, उसके बाद हम लोग इसको कंट्रोल चेक करके एक लेयर ले लेते हैं और इमेज में जाते हैं। इमेज में जाने के बाद हम लोग जाएंगे इमेज साइज पे जाएंगे। इमेज साइज में जाने के बाद हम लोग के पास एक प्रीसेट ओपन होगा, इसमें देख सकते हैं फाइल साइज भी दिखा रहा है, एवरीथिंग आपको कुछ भी मतलब बैनर पर रियल साइज दिखा रहा है प्रीसेट में, और साइड में एक चेन भी है। सो इसमें जाने के बाद हम लोग ऑटोमेटिक दिख रहा है, इसमें नहीं जाना है हम लोग को, हार्ड डिस्क में जाना है। हार्ड डिस्क इसमें नियरेस्ट दिखा रहा है, Alt 7 है इसका शॉर्टकट। सो इसके बाद इसको प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको फाइल एडजस्ट करना है तो कंपलसरी इसको प्रेस करना पड़ेगा। सो इसको क्लिक कर लेते हैं पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो उसके बाद मैं आपको ये चेन के बारे में बताऊँगा यहाँ पे जो दिख रहा है। सो अभी मैं फिलहाल के लिए एक YouTube का थंबनेल साइज क्रिएट करके दिखाता हूँ। 1280x720 पिक्सल का रहता है YouTube थंबनेल। सो इसको मैं डाल लेता हूँ थोड़ा 720 पिक्सल, एक्चुअली पिक्सल में है, अभी मैं दिखाऊंगा पिक्सल इंच सब में। ओके प्रेस करने से आप थोड़ा टाइम लेगा, देख लीजिए अभी कन्वर्ट हो चुका है, ये थंबनेल साइज पे कंप्लीट हो चुका है। आप इसको थंबनेल में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बैनर खुद मैंने डिजाइन किया है। सो इसके लिए आपको कोई सा भी फाइल चाहिए, एक और लेयर ले लेते हैं और दूसरा लेयर को हाइड कर देते हैं फर्स्ट वाला। फिर से इमेज में जाएंगे, फिर इमेज साइज में जाएंगे, मेक श्योर योर डिफॉल्ट सेटिंग हैज बीन हार्ड डिजिट। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पे वर्ड में जाएंगे, और इसमें आप लोग को कुछ भी बैनर साइज ले रहा हूँ 1920 और इसमें 1440 ले रहा हूँ इसमें। सो इसके बाद ये होम पेज बैनर हो गया YouTube का, एक्चुअली होम पेज बैनर तो है लेकिन शो नहीं करता, उसका स्मॉल साइज रहता है, उसका स्मॉल साइज 900 समथिंग ऐसे 140 ऐसा ही है। सो एक और लेयर ले लेते हैं, उसके बाद इमेज, फिर एक ही स्टेप फ्लो करना है आप लोग को। आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, समझना है सिर्फ आपको। सो देख लीजिए अभी चेन का बारे में बताने वाला हूँ। अगर चेन को क्लिक कर दिया तो आप लोगों ने चेक कर दिया तो इसमें क्या रहता है, एक या अपने आप डिफॉल्ट करके देता है, मतलब 4.5-3 देता है, मतलब एक पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज करके देता है। सो मैं इसमें 1920 डाल रहा हूँ तो इसमें ऑटोमेटिक डिफॉल्ट है, तो चेक दे दिया है मैं इसमें चेन में। उसके बाद मैं एक रियल साइज बैनर साइज फेसबुक का डाल रहा हूँ। सो इसमें सिंपली मैं क्या डालूँ, 1200x1200 डाल के देखते हैं, क्योंकि अभी देख लीजिए उसमें थोड़ा एक स्टेप इंक्रीज करके देगा, मतलब 900 समथिंग देगा शायद। हाँ देख लीजिए 1200 अभी आ गया है, 900 मैं बोला था, मतलब 1% इंक्रीज करेगा, मतलब 4x3 में आएगा, चेक करेगा तो 1 step, मतलब इसको डिफॉल्ट सेटिंग में। अगर चेक हटा दिया तो आपका मर्जी, कोई भी सेट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट में दिखाया था। देख लीजिए अभी मैं फिर एक और कंट्रोल चेक करके लेयर ले लेता हूँ, फिर इमेज साइज पे जा रहा हूँ। फिर से हम लोग वही नेक्स्ट, अभी मैं पिक्सल में देख रहा था, आप लोग को मैं इंच में दिखाने वाला हूँ, इंचेस में दिखाने वाला हूँ। हम लोग का नॉर्मली जो फोटो स्टूडियो में क्लिक करते हैं वो सिंपली 6x8 4x6 ऐसा ही ऑटो साइज पासवर्ड साइज का रहता है, वैसा ही मैं इसमें कुछ सेट कर रहा हूँ। इसमें मैं 6x8 कर लेता हूँ, समथिंग 80 ले लूँ, ठीक है। जस्ट आपको शो कर रहा हूँ, मैं इसमें थोड़ा 12 रख देता हूँ। उसके बाद देख लीजिए ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, देख लीजिए थोड़ा लंबा आ गया है, क्यों, क्योंकि अब ये बैनर जैसा लग रहा है, जैसा फूड बैनर आप लोग को देख रहे होंगे, फूड बैनर भी ऐसा ही रहता है। सो देख लीजिए अभी मैं आप लोग क्या क्या समझाना था इसमें फाइल साइज में कम्प्लीटली समझा दिया हो, अगर आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कैसे सेट करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दे देता हूँ। ये थोड़ा
थोड़ा लेट हो जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं रिप्लाई दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो.